नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये यूसीपी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। इसके बाद में दूसरे विषयों की चर्चा हम समय समय पे करते रहेंगे, परंतु अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश SI का सिलेबस हमारा क्या है, उस पर हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम हिंदी पे आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे, और आगामी समय में धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम अपने अध्याय व चैप्टर लाते रहेंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ध्यान से इसे देखिएगा आपका जो सिलेबस है। जैसे मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में आपका दो पार्ट में अगर मैं इसे चाहूं तो डिवाइड कर सकता हूं। जैसे सबसे पहले वाले पार्ट में इसको क्या किया जाएगा कि नॉर्मली अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर लूं तो इसे हम 100 क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं अपने तो आसानी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे तो वो हिंदी का होगा, और सेकंड वाले की बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का होगा। तो ये दो सिलेबस है, हिंदी का और अंग्रेजी का। तो हिंदी का जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा आपका, 70 प्रश्न हो गए, ठीक है। दूसरा अंग्रेजी वाले की जो हम बात करेंगे वो कितना होगा आपका, 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर, ठीक है। इसके बाद में सीधा सीधा जितने क्वेश्चन उतने नंबर की चर्चा होती है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको फायदेमंद यही है आपको कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, अब आगे इसके हम चलते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या क्या होगा, कितनी कितनी चीजें आपको पढ़नी है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, मैथ्स है। दूसरा क्या है, रीजनिंग है। अब मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करेंगे तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा नहीं 4 से 5 महीने आप मेहनत कर लेते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल को देख लेते हैं, जितने भी हमारे मैथ्स के वीडियोज लेक्चर हैं, आप उनके माध्यम से बिल्कुल इक्वल नंबर पा सकते हैं। मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे आप उतने नंबर पा सकते हैं SI की मैथ्स में। कांस्टेबल में अगर आप जाएंगे तो कांस्टेबल की मैथ्स थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आपको लगेगी कि SI के कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ा सा टफ लगेगी, लेकिन SI वाली जो मैथ्स है वो थोड़ा आसान लगेगी, ठीक है। अब जैसे मैं आगे चर्चा करूं कि भाई इनके नंबर्स की, तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, फिर भी हम कितना लेके चलते हैं, लगभग 40-45 क्वेश्चंस को लेके चलते हैं किसमें, मैथ्स और रीजनिंग के लिए टोटल। अब ये जो अगला वाला पार्ट है हमारा GS का है, ठीक है, तो इसको मैं लगभग लेके चलता हूं कितने नंबर पे, 55 से 60 नंबर पे लेके चलता हूं कि 55 से 60 की GS आएगी। इनका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे तो ये निर्धारित होता है कि 30 का आएगा, ये 70 का आएगा। लेकिन अगर मैथ्स रीजनिंग और GS की बात करेंगे तो ये कोई निर्धारित नहीं है, ठीक है। अगली मैं बात करूं कि यहाँ पे जो GS में सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक वो क्या क्या है, तो सबसे पहला आपका क्या, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री को। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे यहाँ पे सर, तो आप उनसे ये आपको पूछने की अभी आवश्यकता नहीं होगी, वो आपको क्लियर बता देंगे कि एंशियंट में कौन से पार्ट को पढ़ना है और कौन से पार्ट को हमें SI के लिए देना है, मेडिवल में कौन से पार्ट को पढ़ना है और कौन से पार्ट को छोड़ देना है। तो वो आपको एक प्रॉपर थोड़ा सा रेशियो ऐसा बता देंगे कि इस टॉपिक को पढ़ लीजिए तो आपको फायदा होगा, इस टॉपिक को छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे राज व्यवस्था में, इसके बाद में अगला टॉपिक में हम पहुंचेंगे, तो राज व्यवस्था में कोई विशेष आपका यहां पर नहीं पढ़ना, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, पूरी राज व्यवस्था नहीं पढ़नी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा राज व्यवस्था और संविधान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है राज व्यवस्था और संविधान में। तो आपको जो राज व्यवस्था में पॉलिटी में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। अब अगली बात आती है भूगोल में, तो आजकल हमारे यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछने लग गया है व्यापम में, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। तो फिर ये वही बात आती है कि जो भी आपके शिक्षक होंगे वो आपको बता देंगे कि कितना टॉपिक पढ़ना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। अगली बात, मध्य प्रदेश GK जो है वर्तमान में हमारे व्यापम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश GK से, ठीक है। जो फैकल्टी आएंगे वो प्रॉपर आपको डेली क्लासेस इसकी लगाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके मिलते रहेंगे, है ना। हो सकेगा तो एक दिन में, या हो सकेगा तो हर तीसरे दिन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेंगे। तो ये बड़ा फायदा आपको मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे आप 4 दिन पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए और 5वें दिन आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको भूल चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि रीजन ये है यहाँ पे कि आपका केवल और केवल फैक्ट है, मतलब तथ्य है केवल। मध्य प्रदेश में अधिकांश चीजें आपकी क्या है, तथ्य के रूप में है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो कोई विशेष अर्थव्यवस्था से प्रश्न नहीं बनते, कभी इक्का दुक्का प्रश्न बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छा है। तो यहां पे टॉपिक आपका लगेगा, क्लास आपकी लगेगी, लेकिन आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि ये चीजें हमारे एग्जाम में आनी है, इससे बाहर नहीं आनी है। तो वो आपको फैक्ट्स वगैरह थ्योरी के साथ में पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात, अगले में चलते हैं खेलकूद। स्पोर्ट्स एक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहां पे, PSC में तो करता ही है, व्यापम में भी खूब क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो स्पोर्ट्स का आपका एक प्रॉपर सीरीज चल जाएगी। अब साइंस की बात करें तो जैसे आपका MPPSC पेपर थर्ड में साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग ने अपने यहाँ पे विज्ञान का पोर्शन बढ़ाया है, उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर या व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो भी अपने यहाँ पे साइंस का वेटेज बढ़ाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी लेक्चर लगेंगे साइंस के, आप उनके सारे वीडियोस देखिएगा, आपको क्लियरिटी समझ में आती रहेगी समय समय पर, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है किस पे, बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है, बायो से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बता देंगे जो भी फैकल्टीज पढ़ाएगी आपको कि आपको कितना टॉपिक वहां पे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब हर बार मैं एक शब्द कहता हूं कि हम बताएंगे, हम का मतलब यह है कि जो भी विषय विशेषज्ञ होंगे वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि इस टॉपिक को आप पढ़ें और इसका यह टॉपिक आप छोड़ दें, क्योंकि आपके सब इंस्पेक्टर में या व्यापम में या इस एग्जाम में काम में बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है या आने वाली है, तो दोनों का वो डिविजन करके आपको बता देंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम हो जाएगा कि हर सब्जेक्ट की आपको जब अलग अलग फैकल्टी मिलेगी तो वो करीब 4-5 सालों से उस पर वर्क कर रही है, तो आपको एक सही मार्गदर्शन देगी, ठीक है। आप उसे देखें। आगे करंट अफेयर की बात करो तो करंट अफेयर का तो आप आजकल जान ही रहे हैं, सबसे ज्यादा रूल किसका, करंट अफेयर का हो ही गया है, चाहे वो यूपीएससी से लेके किसी भी एग्जाम में आजकल करंट अफेयर पूछा ही जाता है ना, तो करंट अफेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आती है कि कहां पे कितने नंबर चाहिए तो हमारा सिलेक्शन होगा। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, बस एक मोटा मोटा हम आंकड़ा लेके चलेंगे, एक ऐसा फिगर लेके चलेंगे कि अगर हमने उसे मेंटेन कर लिया तो बड़े आराम से वो हमें क्या करेंगे, इंटरव्यू कॉलिंग हमारी हो जाएगी। जैसे आप सभी को मालूम है एक लंबे समय से हमारे यहां पे SI का एग्जाम या कांस्टेबल का एग्जाम या बहुत सारी व्यापम की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा आएंगी, ये सभी को पता है, है ना। तो जैसे वैकेंसीज अगर बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या होगा, गिरेगा। लेकिन अगर वैकेंसीज कम होंगी, मतलब पोस्ट कम होंगी, तो कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा। पिछली बार 172 पे आपने देखा कि लगभग आपको कॉलिंग हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह वो सारी की सारी चीजें बात की चीजें। अब यहां पे 70 क्वेश्चंस में, जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट्स की बात करता हूं कि रटने वाला जो टॉपिक है 40% टॉपिक हिंदी में रटने वाला है, 60% टॉपिक समझने वाला है, ठीक है, या 45% टॉपिक आप कह सकते हो कि रटने वाला है, तो बाकी जो समझने वाला टॉपिक है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं गारंटेड आपको कंप्लीट करा सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात यहां पे कि आपको मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप पूरी क्लासेस देखें तो 65 प्लस नंबर यहां से लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आपको 23 नंबर लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, 24 हो जाए 25 हो जाए और अच्छी बात है, परंतु इंग्लिश मीडियम वालों के अच्छे हो जाते हैं, 26-27 भी हो जाते हैं, 28 भी हो जाते हैं किसी किसी के, परंतु आपको यहाँ पे 23 नंबर लाना बहुत जरूरी है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात बता दूं बड़ी, कि बेचारे 20 नंबर 21 नंबर से ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, ये बड़ी समस्या है, ठीक है। तो उसका समाधान केवल एक ही है कि आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, डेली उसे पढ़ना पड़ेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा रूल पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका आ जाएगा रिदम में। दूसरी बात, मैथ्स या रीजनिंग की जैसे मैं बात करता हूं, अगर सपोज मानिए कि 40 नंबर का आता है, ठीक है, तो यहां पे आप आराम से 35 नंबर ला सकते हैं, कितने नंबर, लगभग 35 नंबर यहां पे आप ला सकते हैं। जीएस वाले की बात करता हूं कि सपोज ये आपका 60 का आता है, सब कुछ मिक्स कर दिया जीएस में, सारे सब्जेक्ट्स मिक्स कर दिए गए जीएस में जनरल स्टडीज में, ठीक है, तो अब यहां पे जैसे मैंने 60 का कहा तो 60 में लगभग आपको 45-47 नंबर इतना लेके आना है, इससे कम नहीं होने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है और जो बच्चा पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा है, दोनों का जीएस में लेवल लगभग सेम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों एग्जाम देने जाएंगे तो देखिएगा 4-5 प्रश्नों का अंतर आता है जीएस में, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो आप अगर लगभग इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर लगभग पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे मैं इसको काउंट कर लेता हूं और पहुंचते हैं तो 7-5-12 है ना, तो ये देखो एग्जैक्ट तो अभी हम नहीं पहुंच रहे, लेकिन आपको जो दायरा बढ़ाना है इसका बढ़ाना है और जीएस का दायरा बढ़ाना है, तो मैं ये जो कहना है मेरा एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि इतने नंबर लगभग आपको लेके आने हैं, आप इंग्लिश में नंबर बढ़ाना है, आपको और नंबर कहां बढ़ाना है, जीएस में नंबर बढ़ाना है, बस ये मैंने नॉर्मली लिखा है अभी आपके लिए, ठीक है, तो इस नंबर को आप 47 से बढ़ा के कोशिश करना कि 50 तक ये नंबर आप लेके चले जाएं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आसानी से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार में इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगी, इसके बाद में आप फिजिकल की तैयारी करते रहना, इंटरव्यू में कोई विशेष ज्यादा आपको जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते रहना, और आपका जो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो उस सब्जेक्ट को जरूर ध्यान में रखना, इंटरव्यू के टाइम पे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th-12th में आपने क्या सब्जेक्ट लिया था उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सभी के लिए उपयोगी होगा, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आगे आपका इसी प्रकार से सहयोग करता रहूंगा। धन्यवाद।